नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप देखे होइएगा, जब एग्जाम समाप्त हुआ था उस दिन मैं रामांशु सर से एक वीडियो बनवाया था कट ऑफ को लेकर, और लगभग उसमें 8500 विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट किए और बताए कि मुझे मेरा इतना अंक आ रहा है, महिला पुरुष सब लोग। मैं ये भी बताया था कि आप अपना कैटेगरी भी उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज चर्चा करेंगे 1 to 5 को लेकर भी, 6 to 8 को लेकर भी, 9th 10th को लेकर, 11th 12th, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। बस ध्यान पूर्वक समझते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, सबका बताया गया सब्जेक्ट वाइज एसएससी जो आप कमेंट किए हैं उस पर है। यूआर का अलग बताया गया, ईडब्ल्यूएस का अलग बताया गया, बीसी का अलग बताया गया, ईबीसी का अलग बताया गया, एससी एसटी अदर स्टेट सबको बताया गया। लेकिन एक बात को समझिएगा, जो आप यूट्यूब से आंसर मिलाए हैं उसके अनुसार से बताया गया जो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मेहनत लगा ये एक एक करके कट ऑफ जानना, क्योंकि 8500 लोग उस वीडियो पर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि हम जनरल से हैं, हम ईबीसी से हैं, हम एससी से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हम फ्रीडम फाइटर से, सब कुछ। कितना मेहनत लगा। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी डाटा आता है यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो उसके लिए एक टीम लगती है जो उसको पूरा तरह से छांटती है, और छांटने के बाद पूरा का पूरा जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और फिर उसको उसमें फिल करते हैं, और फिर उसके हिसाब से एक एवरेज निकालते हैं कि इससे कैसे मालूम चलेगा कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। तो निश्चित रूप से किसी भी काम को करने के लिए, अब तो चूंकि हम लोग की ये हैबिट बन चुकी है, तो पूरा टीम काम करता है, इसलिए तो अब हम लोग टाइम उसे कम लगता है। लेकिन यही जब हम शुरुआत में कर देते तो 1 दिन 2 दिन पूरा लग जाता था, लेकिन अब तो जो पूरी टीम है तो सबको समझा दिया गया तो काम आसानी से हो जाता है। सर, विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जो आपने मिलाए हैं, जो शिक्षक लोग भी डाले हैं, कई सारे शिक्षक से भी, बड़े बड़े संस्थान से भी, सब कुछ रहते हुए बावजूद भी 5 गलती, किसी से 3 गलती, किसी से 4 गलती, किसी से 10 गलती, इस तरीका से गलती हुआ है, विद्यार्थी भी मिला लिया। विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल में रहते तो उनके पास कितना प्रेशर रहता होगा सर? देखिए, दरअसल क्या होता है कि हम लोग तो ये जब होते हैं तो जब भी हम लोग आंसर कोई भी तैयार करते हैं एग्जाम होने के बाद, तो हमारे पास सारा मटेरियल रहता है, सारे ऑथेंटिक सोर्स रहते हैं, गूगल रहते हैं, और हर चीज के एक्सपर्ट बैठे होते हैं। तो हम लोग को आंसर उसके बावजूद भी 2-4 गलतियां हम लोग से हो जाती है। तो जो बच्चा, एक बच्चा सारे सब्जेक्ट को कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए बच्चे जो अपना मेरिट देते हैं, बताते हैं, उसमें से जो 7-8, 9-10 क्वेश्चन का कभी कभी जो वेरिएशन चला जाता है, और जबकि हम लोग बैठे रहते तब भी 2-4 का डिफरेंस होता है। तो निश्चित रूप से एक बच्चा जो अपना मार्क्स बताता है, हम लोग उसमें से कम 5-6 मार्क्स घटा लेते हैं, और फिर घटाने के बाद ये सारा का सारा तैयार किया जाता है। मतलब ये जो विद्यार्थी बताए उसके बाद है, यदि आंसर की आता है वो बताते हैं तो उसके बाद कुछ वेरी कर सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, वेरिएशन तो होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड चीज है, ये कोई ये नहीं है कि हम तो बीपीएससी है नहीं, ऐसा नहीं कि हो सकता है कुछ आंसर हम कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मानते हो, तो कई बार ऐसे वेरिएशन आता है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके 19-20 जा सकता है। वैसे ये जो है चुनाव वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है कि इतना जाता है, ये जो है एग्जाम का है, तो लगभग लगभग सही जाता है। सर, एक चीज आपके कट ऑफ में मैं देख रहा हूँ कि एससी कैटेगरी हो गया, ईबीसी का थोड़ा सा वेरिएशन है, ये सब क्या, ये जो 65%, 75% आरक्षण वाला, उससे ज्यादा वेरिय कर रहा है? बिल्कुल, उससे वेरिएशन तो करेगा ही करेगा। पहले तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया है, और अब जो है थोड़ी सी मेरिट बढ़ जाएगी। पहले थोड़ी सी मेरिट कम हो रही थी क्योंकि उनका परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन जब से ये जो है डिसीजन आया उसके वजह से थोड़ा सा तो मेरिट जो है बढ़ जाएगा, हर चीज का बढ़ेगा। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश आ जाता है कि पुराने नियम पर चर्चा करें तो इसमें भी वेरिएशन देखने को? बिल्कुल, यही चीज है ना कि टाइम टू टाइम जब नई चीज इसमें इंक्लूड होती है तो इसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। सर, अब थोड़ा सा आप बता दीजिए, चूंकि विद्यार्थी के मन में हमेशा रहता है क्या है, थोड़ा सा बताते चलिए। देखिए, जैसे क्या है कि ये जो है हम लोग बनाए हैं 9 to 10 के लिए, ये हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बनाया है और प्लस जो है कैटेगरी वाइज बनाया है। तो आप देख रहे हो कि अनरिजर्व कैटेगरी मैंने सामान्य, सामान्य में सब लोग आते हैं, कुछ लोग सामान्य का मतलब समझते हैं कि जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी नहीं, इसमें सारे लोग जिनके मार्क्स इसके ऊपर आएंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसी हो, ओबीसी हो, सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का उन्होंने लगभग 85 का, ये सब्जेक्ट एसएसटी का। उसके बाद वही हम चले आए साइंस में, तो साइंस में इसको 84, अच्छा चलिए इसके इस तरह हिसाब से देख लेते हैं। तो अनरिजर्व का जो है एसएसटी में जो है 85 to 88, वहीं ईडब्ल्यू ऐसा है तो लगभग लगभग 5 नंबर वहां घट जाता है, तो ये 80 से 83 के बीच में। बीसी जो है 84 to 86, ईबीसी 78 to 88, एससी जो है 70 से लेके 72 के बीच में, एसटी जो है 68 से लेके 70 के बीच में, और जो अदर स्टेट है ये जनरल के बराबर है, तो ये जितना भी अदर स्टेट होगा वो 85 से 88। वही उसके साइंस में आते हैं तो साइंस में लगभग 19-20 वही है, 84 से 86 जनरल के लिए, 75 से 80 जो है ईडब्ल्यूएस, बीसी के लिए 78 से 80, ईबीसी के लिए 73 से 75, एससी 77 से 69, और एसटी जो है 62 से 64, और अदर स्टेट का वही 84 से 86,
और अगर कोई इसे बात करे सर महिलाओं का कितना होगा, तो सब में आप 5 नंबर लगभग घटा लीजिए, महिला का 5 से 7 नंबर आप घटा सकते हैं, तो महिलाओं का, महिला जो अदर स्टेट होगी उनका तो जनरल वाला, वो तो जनरल महिला, तो जो अदर स्टेट में सब महिला पुरुष सब आते हैं, दिव्यांग वगैरह सब सब सब, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर वही हम आ जाए अपने हिंदी के लिए, तो हिंदी में 80 से 82 अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 78 से 80, बीसी का 77 से 80, ईबीसी का 72 से 74, वही एससी का 66 से 68, एसटी का जो है 60 से 62, और अदर स्टेट वही 80 से 82। वही चले आए आप लोग मैथ में, तो मैथ में 85 से 88, 78 से 81 ईडब्ल्यूएस का, बीसी का जो है 80 से 83, ईबीसी का 74 से 76, एससी का जो है 66 से 69, एसटी का जो है 62 से 65, और अदर स्टेट वही 85 से 88। चले आए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 78 से 80 जनरल का है, थोड़ा सा टफ, तो इसीलिए देखिए बात टफनेस की नहीं होती, बात ये कि बच्चे कौन बैठे हैं, ठीक है, तो सीट भी सीट माने रखता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स माने रखते हैं, तब उसके हिसाब से एग्जाम। तो इसमें अभी हम ये करें 2-4 नंबर घट बढ़ सकता है, तो ये इंग्लिश का 78 से 80 के बीच में ये 75 हो सकता है, फिर ये 75 से 78 ईडब्ल्यूएस, बीसी जो है 76 से 80, ईबीसी 70 से 72, एससी जो है 65 से 66, एसटी जो है 60 प्लस, ठीक है, और 78 से 80 वही आपका जनरल वाला आ जाएगा, और लास्ट में संस्कृत बचा, ये लिटरेचर का पोर्शन है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि 70 से 72 के बीच में है, 66-68 में जो है ईडब्ल्यूएस है, बीसी जो है 64-66, ईबीसी जो है 60 से 62, सिर्फ 2-3 नंबर का वेरिएशन रख रहे हैं, एससी का 55-57, और एसटी का जो है 49-51, और जनरल का जो है मतलब अदर स्टेट का 70 से 72। और ये तो अभी हमने एक एक्सपेक्टेड निकाला है जो हमारे पास सर्वे आया, उसको उसमें कुछ 19-20 हो जाए, अगर गलत डायरेक्शन दे रहे हो तो गलत भी हो सकता, थोड़ा बहुत गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बीच में जो है 2-4 नंबर का वेरिएशन कर सकते हैं। सर जो आप बोल रहे थे जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला अगर आदेश आ जाता है 50%, ये थोड़ा सा भैरी कर जाएगा, यदि अभी बताया जा रहा है बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा बताया गया कि रिजल्ट तभी जारी किया जाएगा जब सरकार दिशा निर्देशन देगी या कोर्ट का कोई डायरेक्शन आएगा उसके बाद ही जारी किया जाएगा। इधर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि TRE4 की बात की जाए, लेकिन TRE4 में अब लग रहा है 2-4 माह, बिल्कुल, अब जो TRE4 है, देखिए TRE4 में जो वैकेंसी आएंगी, तो दरअसल ये जो बीपीएससी का जो टीआरई का पोजीशन था, ये 3 ही एग्जाम होना था, बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3, लेकिन इसी बीच इलेक्शन आने की वजह से जो है एक और बीपीएससी TRE4 हो गया, और चूंकि के पाठक साहब ने बोल दिया बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के कारण नाराज थे, तो इसलिए बोल दिया गया, इसके कारण जो है बीपीएससी TRE4 आ गया, वरना था तो बीपीएससी TRE3 तक, लेकिन बीपीएससी TRE1 में, TRE2 में, TRE3 में बहुत सारी वैकेंसी अभी खाली हो जाएंगी, क्योंकि जो रिजल्ट आया था उसमें एक एक बच्चे का 4-4, 5-5 जगह रिजल्ट आया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सारी सीटें खाली होंगी और एक बंपर बहाली फिर आएगी बीपीएससी TRE4 की। लेकिन अभी चूंकि सरकार ने ये आदेश दे दिया, और मतलब बीपीएससी ने बोल दिया कि सरकार के आदेश आने के बाद ही हम रिजल्ट निकालेंगे, और वो आदेश कब, जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में बीपीएससी TRE4 हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर में पहुंच जाएगा। सर एक प्रश्न ये है, आप शुरू से मांग कर रहे थे कि जैसे एक विद्यार्थी है, मान लीजिए उनका 5 जगह रिजल्ट हुआ या 4 जगह हुआ या 3 जगह हुआ या 2 जगह हुआ, तो उनको एक ही काउंट किया जाए, वो तो सीट 5 लेते हैं लेकिन जाते कहीं 1 जगह है वह सीट खाली हो जाता है, क्या इस मांग को इसमें कम से कम लागू कर देना? बिल्कुल इसको लागू इस वाले में तो करना ही चाहिए। कारण क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीपीएससी TRE1 और TRE2 वो पूरी तरह से राजनीतिक भर्तियां थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, लेकिन उसी भर्ती के दौरान एक समस्या और आई कि जो 2 पार्टियां थी वो आपस में टूटी और तीसरी पार्टी उसमें आके जुड़ गई, जुड़ने के बाद सारा का सारा समीकरण और सारा का सारा गणित बदल गया, तो इसके वजह से ये जो राजनीतिक भर्तियां थी अब 2025 की जो है ये राजनीति में चला गया, 2024 से हटके 25 में चला गया। तो अब ऐसे कंडीशन में अब सरकार को थोड़ा सा कुछ ईमानदारी बरतते हुए और थोड़ा समझदारी बरतते हुए एक कैंडिडेट एक ही रिजल्ट घोषित करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसमें शामिल किया जाए। सर अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं है, 3 अटेम्प्ट दिया गया है, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां 3 अटेम्प्ट, मुझे लगता है कि अटेम्प्ट वाला सिस्टम घटना जाए, हट जाना चाहिए, और मुझे लगता है बीपीएससी TRE4 में अटेम्प्ट वाला सिस्टम हट जाएगा। सर आरक्षण में भी बहुत समस्या है, महिला आरक्षण, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारा चीज है, बहुत लोग समझते भी नहीं है, क्या इसको बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए? दरअसल क्या है ना कि बहुत सारे संस्थान इसको बार बार क्लियर कर चुकी हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आते आते बहुत सारी समस्या हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ईवीएस बीसी ईबीसी के लोग जनरल में चले आते हैं, अनरिजर्व में चले आते हैं, ये जनरल कैटेगरी नहीं है, ये अनरिजर्व कैटेगरी, तो इनके आने की वजह से बहुत सारी सीटें जो इधर उधर चेंज हो जाती है,
तो इसलिए सरकार कई बार कोशिश संस्था सरकार कोशिश नहीं करती, संस्थाएं कोशिश करती है, लेकिन हाँ एक बार सरल शब्दों में इसको समझा दिया जाता तो बेहतर रहता है। देखिए ये केवल 9th-10th का है, चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा आपका समय का नुकसान होगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस प्रकार प्रथम वीडियो में आप 85-86 के आसपास कमेंट किए थे, इसमें भी 1-5 वाले 6-8 वाले करें, फिर से एक तैयार किया जाएगा और इसी तरीका से बताया जाएगा। कहीं भी आपको लगे कि नहीं सर इसमें 2 अंक डाउन हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आप कमेंट किए थे उसी पर यह बनाया गया है। लगभग 5 दिन इस पर प्रयास किया गया, जब आप कमेंट कर रहे थे 1-5 वाले तो भी सबका छाटने में, यानी आपका एग्जाम जब समाप्त हुआ उसके बाद कई समय लगा, उसके बाद सर समय देने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।